हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप जम्मू एंड कश्मीर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जेके सेट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए होता है। तो हर साल ये कंडक्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, JKOP। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद ऑल पे क्लिक कर देना ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपने गूगल या जो भी आपका विंडो वगैरह फायरफॉक्स क्रोम जो भी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपको सर्च करनी होगी jkbopi.gov.in, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी, जो आपको सिंपली सर्च करनी होगी। जैसे आप सर्च करेंगे तो इस तरह से ऑफिशियल साइट जो है वो ओपन हो जाएगी आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से साइट होगी। आपको करना क्या होगा, स्क्रॉल डाउन नीचे करना होगा, यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना होगा, इसके लिए आपको स्क्रॉल डाउन नीचे करना होगा। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंट्रेंस एग्जाम CET इंजीनियरिंग, तो आपको सिंपली क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद एक नेक्स्ट पेज आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा, कुछ टाइम लेगा। जैसे कि पेज ओपन हो चुका है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आज से स्टार्ट है, यानी कि 14 मार्च से, 14th of March से इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। और जो इसकी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की नोटिफिकेशन थी वो 10 तारीख की निकाली गई, 10 मार्च की। तो इसकी लास्ट डेट की बात करूँ, रजिस्ट्रेशन जो लास्ट डेट है वो है 6 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो इसके अलावा बात करूँ ऑनलाइन पेमेंट पे 6 को, मतलब जब लास्ट डेट होगी उसी दिन सब जो भी है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग या ऑनलाइन पेमेंट का वो सारे क्लोज हो जाएंगे ऑप्शन, ठीक है। मैं आपको इसके लिए बता दूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। ए कैंडिडेट कैन फिल ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म, मल्टीपल एप्लीकेशन फ्रॉम द सेम कैंडिडेट विल लीड टू रिजेक्टेड। मैं आपको बता दूँ कि एक ही आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं सिंगल कैंडिडेट, अगर ज़्यादा करते हैं तो वो रिजेक्शन कर दिया जाएगा, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कीप स्कैंड कॉपी ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड ये वगैरह जो भी है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको क्या अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको जहाँ जैसे कि स्टेप्स दिए गए हैं आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि कैसे कैसे ये अप्लाई करना है। तो फॉलो दिस स्टेप्स टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपको कोई एरर आता है पॉपअप विंडो का तो आपको सिंपली यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अलाउ कर देना होगा। अलाउ पे क्लिक करने के बाद एक नेक्स्ट विंडो आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से स्क्रीन ओपन हो चुकी है, यहाँ तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं वो आप यहाँ पे रीड कर दें, ठीक है। जो भी इसका इमेज साइज है वगैरह है वो 10 KB से लेकर 50 KB में होना चाहिए। इसका जो फॉर्मेट होगा JPEG और JPG फाइल में होना चाहिए, ठीक है, सिग्नेचर और थंब का। तो ये आप रीड कर दें, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना होगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद इस तरह से एक नेक्स्ट पेज आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी जो IP एड्रेस होता है वो यहाँ पे नोट डाउन हो रहा है, यहाँ पे जैसे राइट साइड पर आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इंजीनियरिंग, तो आपको सिंपली करना क्या होगा, पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है। सबसे पहले नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपको अपना नाम एंटर करना होगा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग है। वहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे प्रीफिक्स वगैरह नहीं लगाना, श्री मेरी मिस्टर जो भी मिस्टर वगैरह है वो आपको यहाँ पे नहीं लगाना है। तो आपको सिंपली यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट अपना नाम यहाँ पे एंटर करना है एज पर डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट आपको फादर नेम यहाँ पे एंटर करना होगा, उसके बाद मदर नेम आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी जैसे आपके 10th मार्कशीट पे है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। ऑटोमेटिकली आपकी जो एज है वो यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है जेंडर, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा मेल फीमेल जो भी आपका है। वेदर रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख, जो भी आप जहाँ से भी हैं वो आपको सिंपली यहाँ पे चूज़ कर देना होगा। लद्दाख है तो लद्दाख पे, जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर पे आपको सिलेक्ट कर देना होगा। तो इसके बाद आता है डेट ऑफ इशू ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भी आप जम्मू कश्मीर या लद्दाख जहाँ से भी हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी जिस डेट का वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो यहाँ पे डेट आपको एंटर करनी होगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, जो भी आपकी कैटेगरी है ओपन मेरिट या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो भी आपकी है कैटेगरी वो आपको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी होगी। नेक्स्ट आपका आता है फिजिकली चेंज्ड पर्सन, अगर कोई है तो यस पे क्लिक करें, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दें। एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज करना होगा, जो भी आप जम्मू, दो सेंटर यहाँ पे ऑप्शन है, जम्मू या श्रीनगर जो भी आपका होगा वो आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे कोई भी आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी जो भी इशू डेट होगी वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात करूँ ईमेल आईडी, आपकी जो भी वर्किंग में ईमेल आईडी है वो आपको सिंपली यहाँ पे एंटर कर देनी होगी। नेक्स्ट आपको कंफर्म करनी होगी ईमेल आईडी जो आपने ऊपर एंटर की हुई है, वो आपको एक बार कंफर्म करनी होगी। नेक्स्ट आपका आता है कैंडिडेट परमानेंट मेलिंग एड्रेस, तो आपको यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस जो भी होगा आपका वो आपको एंटर करना होगा। एड्रेस लाइन वन, एड्रेस लाइन टू मैंडेटरी नहीं है, तो आपका जितना भी एड्रेस है, अगर लंबा एड्रेस है तो आप तीनों भर सकते हैं, अगर शॉर्ट में है तो आप पहली तो आपके लिए मैंडेटरी होगी। यहाँ पे आपको रेड कलर का स्टार दिख रहा होगा। नेक्स्ट आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी यहाँ पे आपको सिंपली वो सिलेक्ट कर देनी होगी। उसके बाद पिन कोड आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना होगा। उसके बाद आपको यूनियन टेरिटरी, तो यहाँ पे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख जो भी आपकी होगी वो आपको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी होगी। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है तो आपको सिंपली सेम एज पे क्लिक कर देना होगा, अगर सेम नहीं है तो आपको यहाँ पे अलग से वही फिल करना होगा जैसे ऊपर मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद आता है एजुकेशन डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, स्टूडेंट हुज रिजल्ट इज इवेटेड शुड नॉट एंटर मार्क्स, ठीक है। तो जिनका भी जो रिजल्ट है 10+2 का वो नहीं निकला, क्योंकि अभी तो एग्जाम भी नहीं हुए, तो वो जिनका नहीं निकला है वो अपना कोई भी मार्क्स वगैरह एंटर नहीं करेंगे, सीधे अपेयर्ड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपेयर्ड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको कुछ भी एंटर नहीं करना है, सिर्फ आपको करना है ईयर ऑफ पासिंग, जो भी आपका ईयर ऑफ अपेयरिंग पासिंग जो भी होगा वो आपको सिंपली एंटर कर देना, 2021 जो भी आपका है, तो कॉलेज और स्कूल जो भी आपका जहाँ से आप पास या अपेयर कर रहे हैं वो आपको सिंपली यहाँ पे फिल कर देना होगा, अपने स्कूल या जिसका भी नाम, ठीक है। तो ये एक सिंपल था। अगर जो पास्ट है तो आपको पास्ट पे क्लिक कर देना होगा, पास्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ईयर ऑफ जो भी पासिंग है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, कॉलेज नेम यहाँ पे एंटर करना होगा, स्कूल सॉरी स्कूल नेम होता है 10th के जो भी है, 10+2 के, तो आपको यहाँ पे स्कूल नेम एंटर करना होगा, मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे और आपने ऑब्टेंड कितने किए हैं वो आपको सिंपली यहाँ पे एंटर करना होगा, परसेंटेज जो भी आपकी होगी वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। अब मार्क्स इन 10+2 फिजिक्स, तो आपको फिजिक्स के मार्क्स यहाँ पे एंटर करने होंगे, केमिस्ट्री के यहाँ पे एंटर करने होंगे, नेक्स्ट आपको मैथ्स के यहाँ पे एंटर करने होंगे, यानी कि फिल करने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ आपको सिंपली मैंने इंस्ट्रक्शन बता ही दिया आपको, ये इसका जो फॉर्मेट है वो JPEG में होना चाहिए, जहाँ तो JPG फॉर्मेट होना चाहिए। साइज की बात करूँ अगर फोटो सिग्नेचर थंब की, तो वो 10 KB से लेकर 50 KB के बीच ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में लिखें, लेकिन मैं आपको बता दूंगा अभी अभी यहाँ पे अपलोड करके। तो नेक्स्ट आपका था वेरिफिकेशन कोड, आपको सिंपली यहाँ पे फिल करना होगा और सबमिट पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हाइट रखूंगा, तो यहाँ पे मैं आपको फोटो सिग्नेचर थंब वगैरह फिल करके अभी बता दूंगा। जैसे कि मैंने फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन जो है वो अपलोड कर दिए हैं, ऐसे ही आपको अपलोड करने ही होंगे सिंपली। यहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, तो आपको सिंपली ये डिटेल्स फिल करने के बाद अपनी सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद प्लीज वेट, कुछ टाइम लेगा। तो नेक्स्ट आपका प्रीव्यू होगा, आप फॉर्म को चेक कर लें, अगर आपकी कोई भी करेक्शन है तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके वो करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि तो फाइनल सबमिट के बाद आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे, फिर उसके लिए आपको फाइनल सबमिशन के बाद आपको टाइम दिया जाएगा, फिर ही आप एडिट कर सकते हैं। तो आपको सिंपली अगर आपकी कोई भी करेक्शन नहीं है तो आपको क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपकी एप्लीकेशन जो नंबर है वो जनरेट हो चुका है, लेकिन अभी आपका फॉर्म फिल नहीं हुआ है, सिर्फ आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है। इसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी, पेमेंट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे दिख रहा होगा Step 2, क्लिक हियर टू पेमेंट, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना होगा। और जो भी आपकी एप्लीकेशन नंबर है वो आपकी आपके ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया जाएगा, तो आप वहां से अपना इसको रख सकते हैं सेव करके। तो आपको सिंपली पेमेंट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो एंटर करना होगा, डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर करनी होगी, वेरिफिकेशन कोड एंटर करना होगा, सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको आएगा क्लिक ऑन पे बटन टू मेक पेमेंट, तो आपको सिंपली यहाँ पे पे क्लिक कर देना होगा। इजी पे पे करना चाहते हो तो वो भी एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद इस तरह से आपको ऑप्शन आएंगे पे का, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना होगा, जहाँ इजी पे पे भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ इस मेल पे आप कर सकते हैं कंटेक्ट। नेक्स्ट आपको फॉर्म फीस की बात करो, 1200 रुपीज़ होगी, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपकी जो नेक्स्ट पेज है वो पेमेंट का वो ओपन हो जाएगा, आपको सिंपली पे करना होगा।
बिल्ड स्किन का जो भी पेमेंट गेटवे है, तो आपको सिंपली यहाँ पे ये अपनी जो फीस है वो पे करनी होगी। फी पेमेंट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे दिख रहा होगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होगा, सबमिट पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपको जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपलोड कर देने। मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको पेमेंट करनी होगी, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी तरह वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर दें और ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जो वीडियो अपलोड होगी वो आप तक पहले पहुंचेगी।